साइड पे नौशीनशाह की तबीयत वाकई सही नहीं है। आई एम अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। काशी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉस हैं। Assalamualaikum Pakistan and welcome back to another new vlog. Yes, this is me and you're watching Happening with Kashif Saleem. Yes, हमेशा की तरह आज भी मैं अपने शूटिंग सेट पर ही मौजूद हूँ और सीन जो अभी हमने तैयार करवाया है मेरी टीम ने वो ये है कि जी हीरो हीरोइन खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है, तो सीन कुछ इस तरह से है कि ओरिजिनल बारिश तो अल्लाह मियां की तरफ से ये देखें कहीं से भी आसार नज़र नहीं आ रहे, तो जब भी कुछ इस तरह का सीन होता है तो वो हमें अपनी ही बारिश करवानी होती है। तो वो बारिश का सेटअप जो है वो क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ और सीन में बारिश किस तरह से होगी वो भी मैं दिखाता हूँ। और इससे पहले जो जो लोग मेरे चैनल में और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में नए हैं, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि सिर्फ तमाम नई नोटिफिकेशन जितनी नई नई वीडियोस हैं व्लॉग्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे। तो आ जाओ सीन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें हीरो हीरोइन के लिए बारिश करनी है, सीन में बारिश हो रही है और बारिश का सेटअप ये है और ये भी दिखाऊंगा अभी आपको कैसे होती है बारिश। ये है हमारी आर्टिफिशियल जिसे हम कहते हैं मस्नूई बारिश, वहाँ से होगी ऊपर से, हीरो वहाँ खड़ा हुआ है और हीरोइन यहाँ नीचे कपड़े सूखे हुए हैं उनको लेने के लिए आई है। ये देखें ज़रा ये, वाह 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 क्या बात है। और ये जो है बारिश हो गई है और बारिश आर्टिफिशियल वो ऐसे हो रही है क्या, किस तरह से एक्सपीरियंस आपका पैसा करें कैसे नहीं बारिश, तो मतलब जैसे हमने आज तक जिंदगी में देखी नहीं। काशी भाई आपने माशाल्लाह तो हमें काम किया, हमें बारिश सिखा रहे थे काशी भाई, लेकिन प्लीज नहीं नहीं सिखाओ कैसे होगी बारिश, पाइप का मस्किन यूज कर ले ज्यादा बेहतर रहेगा, फजूल आदमी। एसी कर दो एसी, जी हाँ अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कैसी बारिश हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा ड्रामों में और फिल्मों में इसी तरह की बारिश की जाती है। और ये मेरे पीछे एक लाइट देख रहे हैं आप, ये छोटी सी नज़र आ रही है, ये 4K की HMI लगी हुई है जिसको हम सोर्स लाइट के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो अभी बारिश का सीन होने वाला है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन में कैसी लगेगी बारिश। यहाँ नीचे हीरोइन खड़ी होगी और जो भीग रही होगी और ये ऊपर से बॉडी रखो इसके ऊपर भाई, दो जगह बारिश हो, मोटी लेयर आ रही है, पतली लेयर आ रही है, बुलाए हीरोइन को और ये शावर यूं आ रहा है, शावर सेट होगा। मैं आपको मेहनत दिखा दूं एक सीन के लिए कितनी मेहनत है, ज़ुहेब जरा संभल के। यस माय डार्लिंग, नौशीन शाह अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? एब्सोल्युटली गॉर्जियस। इधर आ जाइए, आइए, आप आ गई हैं सेट पे? यस, जब तक हम आते हैं क्या कोई HBO की फिल्म तो नहीं बन रही? हमारा ARY का सेट है, हम HBO वालों से कम है क्या? और ARY स्टैंड बाय रोलिंग। नौशीन शाह शॉट देखें जरा, बारिश कैसे हो रही है, सस्ती बारिश कहते हैं इसको। बारिश एंड एक्शन। कोमल पे डालो पानी, वेरी गुड, क्या बदतमीजी की बात की है आप। अब आप मुझे साफ साफ बता दें, आप जब बारिश हो रही थी आपने मेरे कान में आके क्या कहा था? ये ऑडियंस सुनना चाहती है कि आपने कहा कि बारिश नहीं हो रही, ये वो लग रहा है बीप बीप करके कान में बताएं। हाँ कान में आए, कांट डू दिस,
These are our personal things. आपने हमारी बारिश को गंदा कहा है। तो कोई भी देखेगा ना जब बाहर से। मैं आप लोगों को मैसेज करके बता दूंगा कि इन्होंने मेरे कान में आके कहा ये बारिश नहीं ये ऐसे करके कहा। भाई यूं हुआ है कि कोमल मीर को आज हमने भिगा दिया है बारिश में। तो ये आपको विंटर की बारिश कैसी लग रही है? विंटर नहीं, सन इज आउट, तो ये समर्स की लग रही है। समर में बारिश होती है ना? हाँ। और सूरज के साथ होती है, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, ठंड नहीं लग रही। तो जब आप लोग ड्रामे में देखेंगे इनको तो पूरी भीगती भी देखेंगे, और ये देखें इतनी मेहनत करनी पड़ती है नंगे पाँव, और ये बार बार भीगना पड़ रहा है। वेरी गुड। और अब हमने दूसरी साइड पे बारिश शुरू कर दी है जहाँ पे हीरो आके खड़ा होगा, और उसके पीछे ये तमाम टीम मेंबर्स मौजूद हैं जो इस सीन की टीम। अफान थोड़ा सा और आगे आ जा, ले 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 ले। माशाल्लाह तला बेटा, पेट है ही नहीं, क्या हुआ, कहाँ गया पेट? है ना, ये हैं ऑडियो इंजीनियर तलहा, और ये देख लें आप इनका पेट, माशाल्लाह जिसे समझ लें है ही नहीं। शर्म आ रही थोड़ी सी तला? और मुंह में क्या? मुंबई खा लिया है, मुंबई खा लिया। हाँ, ये ऑडियो का काम करते हैं आप लोग देख लें, जितनी ऑडियो अगर आपको ख़राब मिले मेरे ड्रामे में आप इनको पकड़ लें, इनका एड्रेस मैं दे दूँगा आपको। तो जनाब ये था बारिश का सीक्वेंस जो हमने देख लिया, और जिस लड़की को हमने गीला किया था वो रेडी हो जाने के बाद ये देखें बिल्कुल नए सीन की तैयारी में आ चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने जब देखा था तो ये ऊपर से नीचे तक भीगी हुई टपक रही थी, बारिश में टपक रही थी, और अब ये दूसरे सीन के लिए रेडी हो गई। कोमल आपको ड्राई किसने किया? आप कहाँ धूप में सूखी हैं या आपको ड्रायर से सुखाया गया? कुछ कुछ धूप में और कुछ कुछ ड्रायर से, खुद से मैंने खुद सुखाया। हमारी लोकेशन में बिजली नहीं आ रही थी तो हमने लड़की को जाके कहा धूप में खड़ा कर दो रोड पे, तो ये धूप में सूख के वापस आ गए। अब हम कर रहे हैं दूसरा सीन। एक्टर्स को खूबसूरत बनाने के लिए इतनी हैवी हैवी लाइट्स यूज हो रही होती हैं। कोमल मीर सूखने के बाद यहाँ पाई गई हैं। मुश्किल लाइनें थी जो नौशीन शाह ने 1.5 घंटे में याद की हैं। आइए, डे लाइट जा रही है, बोल लेंगी ना अब ये लाइनें? कोशिश करेंगे सर। हाँ, उर्दू की ज़रा वो क्या बोलते हैं, सख्त सकील उर्दू जो है वो उसमें लाइंस हैं। तलफ़ुज़ आपका बिल्कुल उर्दू, इनका तलफ़ुज़ भी अंग्रेज़ी एक्सेंट के साथ है, वोकैबुलरी है ना। आइए इस तरफ आइए, आप दोनों यहाँ खड़ी हुई हैं, कोमल पहले से, नौशीन शाह आप आएंगी वहाँ से। सीन रेडी। और ये देखें जिस अभी हम बात कर रहे थे कि हीरो नहीं आया, सेकंड हीरो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरो की बात कर रहे थे, सब पूछ रहे थे, पहुंच गया सेट पे, दूसरे हीरो के पास पहुंच गया। बॉय देख लें जरा आप ऊपर से सारे नीचे, अगर आप रेडी हैं सीन के लिए? बिल्कुल। चल ठीक। ये जो आपने इतने सीरियस डायलॉग बोले थे बीच में, आपने मुँह नहीं गिरा ना, ऐसा लगा आप च्युइंगम खा रही हैं, इतने रोने धोने वाले डायलॉग थे, आपने क्यों किया? ये कोई आपकी एक्टिंग टेक्निक है? यस, थैंक गॉड। गाइस मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूं सीरियस डायलॉग बोलते हैं यूं किया हूं। क्या मुंह में च्युइंगम है या पान खा रही हैं? मरने मराने वाले डायलॉग्स बोल रही थी आप, ये क्यों किया? वेरी गुड, ये वाली नौशीन शाह हमें चाहिए। गुड। हाँ बताओ, आप क्या टेंशन दे रही थी तुम, मुझे ज़रा बताओ। दोस्तों ये आप पहचान लें, आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये माविश हमारी सेट डिज़ाइनर हैं, ये सेट डिज़ाइन करती हैं सुबह से जो मेरा दिमाग खाना शुरू करती हैं। आप बोलो क्या कह रही थी, बताओ। मंडे को आपको प्रॉप्स चाहिए यहाँ के कि नहीं? कौन से प्रॉप्स? और अगर नहीं चाहिए तो फिर अपने घर से लेकर आओगी? घर से लाइटी तोड़ दिया तो। क्या कह रहे हो? जी ये वाला हो गया, इधर आइए आप जरा।
करीब सामने मर्दों में अंदर जी सर। क्या सीन की तैयारी, इतना करीब मत आए आप, इतने प्यारे नहीं सर। देखिए मेरा प्यारा लगना जरूरी नहीं, मेरा काम दिखना जरूरी है। आप और ये हैं वो जिनका, और ये काशी भाई जो हैं हमारे बॉस हैं। काशी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉस हैं, हर वक्त ये टिकटॉकर की तरह लगे हुए हैं सेट के ऊपर अपने इमेज बनाने में। प्लीज आप लोगों को बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको ये कहा है कि मेरी तारीफ करे, ये ऐसे ही है घटिया इंसान। और एक घटिया आपको और दिखाऊं, ये देखिए ये पेट चेक करें, और तुम पेट निकाल के खड़े हो जाओ तुम। अभी अफान ये तला है, ऑडियो में होते हैं, ये गाजी हैं हमारी लाइट पे होते हैं, जितनी लाइट होती है गाजी कर रहा होता है। हाँ गाजी सब सेट है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? जब मार्केट में छोटी हीरोइंस आना शुरू होती हैं तो हम ये सैंड बैग लगा के ये अगली दफा आप हाइट बड़ी करके आएंगे। एक तो उसका बाप बैठा है एम डी एस की बात कर रहा हूँ, प्लस मेरी मोहब्बत भी है। तो मैं उसकी बात है कैसे पूरी शूट पे अगर आपको कोई रिलैक्स लड़की अगर मिल जाए, क्या कहा आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, ये आप सब लोग इनको पहचान लें, कोई रिलैक्स चेहरा अगर नज़र आ रहा हो तो वो है प्रोजेक्ट हेड सलवा। बोलें लाइंस बोलें, ये देखें अम्मी ने कहा है कि कोई बात नहीं हुई है। इतनी ये इनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, इतनी ऊपर खड़ी हुई और इनको लाइंस याद करानी पड़ रही है। रोशन शाह आप लाइंस याद करके नहीं आई, बड़ी एक्ट्रेस हमेशा परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, लाइंस पे नहीं। शेख साहब तो आज आए नहीं, जावे शेख साहब। क्या क्या ये खातून जो हैं वो बोली जा रही है समझ में नहीं आ रहा। सीन कर लें रोशन शाह, सीन कर लें। Yes. Yes, stand by. जी आ चुके हैं, आ चुके हैं। क्या हुआ, सब खैरियत? सब खैरियत है। मुझे वहाँ लोगों ने आगे कहा कि तबीयत किसी की खराब, मुझे असिस्टेंट ने बताया अंदर किसी की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ आपको जारा? Excuse me. आपने कुछ किया इनको? मैंने कुछ नहीं किया, सब गवाया, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर पहले मैं इनको बिल्कुल सही छोड़ के गया था। आप बताएं क्या हुआ? मेरा दिल कारी आचा। यही वो वीडियो होगी जो मैं अपने व्लॉग में डालूंगा और इससे आप वायरल हो जाएंगी। नो, हमें वायरल होने का कोई, वो एक लड़की मिल गई है जो इस गाने में क्या है, मेरा दिल ये पुकार है आजा आजा। क्या वो स्टेप थे नौशीन शाह, लोग आपका देखना चाहते। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा कि ये ऐसी हैं, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, नासाज है। I am a very very nice person, it's just that I'm not feeling well today, so I'm acting like a demented. Actually, I'm not acting like one. I'm just somebody's like rubbing the, you know what I mean. Like. Selva, दवा दें जरा हिला के। Wait. आप हिला के जी। मेरा दिल ये लग रहा है ये वो लड़की जो है वायरल टिकटॉकर आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा उसने हिट किया है, तो फिर आप क्यों गा रही हैं? कुछ हुआ है? ये तो बेइज्जती हो गई। वो जो लड़की है जो वायरल हुई है ना टिकटॉक से मेरा दिल, उसकी शक्ल जो मिलती है वो थोड़ी बहुत मिलती है, तो वो ये शक्ल तो नहीं है कहीं? छोटा सा मुंह है उसका। किसका? उस लड़की का। तुम्हारे मुंह से उसके चार मुंह निकल आए, छे दो काम किया आपने। चलो आगे बोलेंगे तो शायद 8 मुंह निकल आए आज सेट पे। नौशीन शाह की तबीयत वाकई सही नहीं है, कैसे
मुंह में कुछ है। मेरा दिल ये पुकार। सो जनाब, ये था आज का व्लॉग और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लेकिन एंड करने से पहले, जो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जो मैंने शुरू में कहा था, ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए गेस्ट के साथ या फिर शूटिंग सेट पे। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।